कहते हैं मिट्टी के बिना खेती की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन यही मिट्टी अब कई युवाओं के लिए स्टार्टअप का एक मार्ग खोल रहा है, यानी कि इस मिट्टी के सहारे कई युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तनों के बारे में और मिट्टी से कई तरह के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के बारे में। और एक युवा हमारे बीच में ऐसे ही हैं, पुष्कर हैं, और पुष्कर ने उस दौर में इस मिट्टी से एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू किया, मिट्टी के बर्तन को एक स्टार्टअप के तौर पे अपना शुरू किया, जिस दौर में मानव जाति के लिए जीवन को बचाना बहुत बड़ी बात थी। हम बात कर रहे हैं कोविड की, कोरोना के समय में जहां मानव जीवन को बचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उस समय उस वैसी परिस्थितियों में इन्होंने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया, और वो भी मिट्टी से जुड़ा हुआ स्टार्टअप था, यानी मिट्टी के बर्तन और कई तरह के। मिलते हैं पुष्कर से, और पुष्कर के साथ इनके और भी साथी हैं जो इनके इस स्टार्टअप में उनकी मदद कर रहे हैं अपने अलग अलग कार्यों के जरिए। तो पुष्कर से जानते हैं कि पुष्कर क्या रही कहानी। कोविड एक ऐसा था कि जो मानव जीवन को ही लेकर बहुत बड़ा चैलेंज था कि मानव जीवन को कैसे बचाए, क्योंकि जिस तरह से स्थितियाँ बनी थी उस दौर में आपने स्टार्टअप शुरू किया, क्या थी कहानी, कैसे किया? बहुत ही मुश्किल रहा ये मेरे लिए, क्योंकि मिट्टी का काम बहुत आसान नहीं होता है और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मिट्टी निकालनी पड़ी। उस वक्त बाहर नहीं निकल सकते थे हम, तो हम लोग चोरी छुपे जाते थे, मिट्टी लेकर के आते थे और उससे फिर चीज़ें बनाते थे। ये मिट्टी का मतलब ख्याल कैसे है, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं BCA करता था, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, मेरा दिल मिट्टी के ही काम को करने में लगता था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें ही कुछ अच्छा करते हैं। फिर मैंने मिट्टी से कुछ कुछ चीज़ें बनानी स्टार्ट की, फिर लोगों को दिखाया तो लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोले कि आप मिट्टी से बना रहे हो, भी इतना अच्छा चीज़ बना रहे हैं, पॉटरी व्हील पर बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पॉटरी व्हील पर काम करने नहीं आता, तो मैं, क्योंकि मुझे मिट्टी से बहुत लगाव, इसलिए मैं बहुत आराम से काम कर लेता था, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने सोचा कि अगर इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस आ रहा है, आज के लोग बहुत ये मिट्टी को समझ रहे हैं, मिट्टी के घड़े में पानी पीना पसंद कर रहे हैं, चाय पीना पसंद कर रहे हैं, मिट्टी के कूलर में लोग डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल, मतलब सजाना चाह रहे हैं अपने घर को, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इससे ही फिर काम करते। धीरे धीरे मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत चीज़ें बनाई, लोगों का और अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका काम, क्योंकि मैं एक फील देता हूँ मिट्टी में, एक चिकनापन देता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल आपको जो भी है वो रफ काम मिलेगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि एकदम ये चिकना बनाया है मैंने, तो लोगों को इसका ये चिकनापन और ये एक मैट फिनिश बहुत पसंद आया, और लोगों को इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। और आज के डेट में मतलब बहुत अच्छे मेरे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं। सिरामिक के भी कई तरह के प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल, सिरामिक का भी आप देख सकते हैं। आप बनाते हैं या? जी बिल्कुल, ये मैं बनाता हूँ। तो जब उसका कितना है, इसका कितना चलो डिमांड है अभी मार्केट, क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा डिमांड है, लोग अब जैसे कि बिहार में बहुत मॉडर्न अपना रहे हैं तरीके, और उसके साथ ये ट्रेडिशनल फील जो आता है, ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो लोग इसको खरीद रहे हैं। और ये देख सकते हैं, अभी मैंने खैर इसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इसका ट्रेंड नहीं है मार्केट में, इसलिए मैंने इसका प्राइस बहुत, ये मिनिमम आपका ये 80 रुपीज़ का ये पड़ेगा। अच्छा, ये 80 रुपीज़ का मैंने रखा है जी। ये सब देख सकते हैं आप, ये सब इसका कितना रखा है? इसका मैंने 250 प्राइस रखा है, जो कि एक्चुअली जब आप मार्केट में जाएंगे बाहर, अगर बिहार से बाहर अगर आप इसको लेने जाएंगे, तो ये 500 से 600 में मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि अभी मेरा मेन मकसद है कि हर किसी के घर में मिट्टी के बने बर्तन और सेरामिक के बने बर्तन पहुंचे, इसका आप किचन से लेकर के होम डेकोरेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इसका प्राइस काफ़ी कम रखा है। तो अभी कितना बना लेते हैं और कितना निकल रहा है, कब से शुरू किया, कोविड में पहले वाले दौर में या दूसरे के? नहीं, कोविड के ख़त्म होने के बाद मैंने इसे शुरू किया, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे कोविड की वजह से, निकलना नहीं था, माल कहीं पहुंचा नहीं सकते थे। 2020 का मैं बता रहा हूँ, हाँ, और उसके बाद से फिर मैंने इसे 2022 में प्रॉपर कमर्शियल कर लिया। 2021 तक मैंने इसे नॉर्मल उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था है, जहाँ पे कि मैं बनाता था ये चीज़ें, वहीं से मैंने सीखा भी है, हाँ वहीं से मैंने सीखा भी है, तो वहाँ से मैं बनाता था छोटे पैमाने पे। फिर मैंने जब यहाँ पे लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, लोगों को टेराकोटा बहुत पसंद आने लगा, तो फिर मैंने इसका प्रॉपर इसको कमर्शियल रूप दिया। अच्छा, BCA कर रहे थे? हाँ, इंजीनियरिंग करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर
बिल्कुल बहुत क्वेश्चन मार्क आया मुझे, बहुत सारी मुसीबतें आई। फादर ने मुझे ये तक कह दिया कि अब तुम भाई चले जाओ यहाँ से, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा दिल कहता था कि ये मिट्टी। मतलब पटना की जी, मेरे पिताजी पटना के हैं, मेरे पिताजी टीचर हैं, तो उनका सबसे पहला उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ तुम छोड़ दो, लेकिन मैंने बोला कि पापा मुझे ये करने में दिल लगता है, मैं यही करूँगा। हाँ, आर्ट्स को कोई बढ़ावा नहीं देता है, सब साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब तो यूनिक, ये सब यूनिक बात नहीं है, तो सब करते हैं, मगर ये सब ट्रेडिशनल चीज़ है, ये सब पर ज़्यादा है ना आदमी ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का संस्कृति ही है ना ये बोलता है कि ट्रेडिशनल और ओल्ड चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंशियंट टाइम से है ना, इंडियन सिविलाइजेशन से है ना, सब कुछ है ना, हम लोग है ना, मिट्टी हुआ आपका है ना, स्टोन कार्विंग हुआ, उससे है ना पेंटिंग्स हुआ, मधुबनी पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से, सब हुआ, इसे सब इसी पर हम लोग कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य हर्षवर्धन हुआ। आदित्य जी, आप क्या करते हैं इसमें? मैं इसमें मार्केटिंग बस करता हूँ। तो मार्केट कैसा है? मार्केट थोड़ा स्लो है। देखिए सर, मार्केट स्लो है बिहार में, अभी इतना मेंटलिटी बढ़ा भी नहीं है कि है ना हर एक चीज़ को लेकर है ना, मिट्टी को लेकर जाएंगे क्या करेंगे, टूट जाएगा, क्यों खरीदेंगे, ये सब पर बहुत है ना, ये सब पर अवेयरनेस होना चाहिए सर। अच्छा, मिट्टी आप लोग खरीदते हैं कि मिल जाता है? नहीं, हम लोग तो फिलहाल जैसे कि मिल जाता है, हम लोग मिल जाता है, या है ना हम लोग कहीं गए तो उस गांव से भी हम लोग है ना ये कंसीडर करते हैं कि है ना हम लोग मिट्टी का है ना अपना सामान बनाते हैं, वहां से भी हम लोग है ना प्रोडक्ट करते हैं, मिट्टी दे देते हैं एकदम आसान। नहीं लेते पैसे सर, पैसे दे देते, अपने मर्जी से हम दे देते, मगर सर किसी किसान को दे देते हैं, आप ले गए, काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे ही ले जाइए, हम लोग दे देते हैं क्योंकि यार क्योंकि जी हर चीज़ का एक कीमत है। अच्छा सर, ये देखिए जब शुरू हुआ था क्या था मार्केट वैल्यू? मार्केट जैसे आपकी कंपनी का क्या चल रहा है? देखिए सर, शुरू हुआ था तो थोड़ा मार्केट वैल्यू कम था, ऐसे नहीं बस बहुत कम ही है ना हम लोग को जानते थे, मगर मार्केटिंग हम लोग ने किया, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया, पर्ची बांटा, फिर है ना ऑनलाइन भी है ना गया, हम लोग ने ऑनलाइन भी किया, सब कुछ किया, तब है ना ये इसका मार्केट वैल्यू अभी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कस्टमर्स जैसे एंड रेटिंग है ना, रेटिंग आप है ना पैसा पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपको सर है ना, इसमें साल में हम लोग महीने में हम लोग को है ना ऑर्डर्स है ना 50,000 to 70,000 का मिल जाता है सर। 50,000? हाँ, चाहे बिरयानी पॉट्स हो गए हैं, फिर आपको है ना ये फ्लावर पॉट्स हो गए हैं, फिर सेरेमिक का है ना, हाँ 70,000 में महीने में है ना हम लोग को है ना ऑर्डर्स मिल जाते हैं, हम लोग है ना उसे कंपेयर भी कर देते हैं, हम लोग कमाई हो रहा है, स्पेशली बिरयानी पॉट का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आ रहा है, बिरयानी पॉट ही। अच्छा, चंपारण वाली बिरयानी पॉट जी, बिल्कुल बहुत इसकी डिमांड है, यहाँ बना रहे हैं सब लोग, लेकर आते हैं दूसरे। अच्छा, तो इसका खर्च कितना है और कितना हो जा रहा है? ये सर हम लोग को बनाने में मुश्किल से 10 रुपए पड़ता है, और मार्केट में इसके हम लोग को 15 रुपए आराम से मिल जाते हैं। बिल्कुल, आप लोग बड़ा खुल के बता रहे हैं ना, बहुत लोग बताते नहीं है कि कितना पैसा कमाते हैं ये। अच्छा, कमाई कितना हो जा रहा है, इनकम अगर हम आपके बता? अच्छा खासा, अगर इसका सिर्फ अगर प्रॉफिट अगर पूछे तो पर मंथ हम लोग 40,000 to 50,000 प्रॉफिट कमाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आराम से सर हम लोग का चल जा रहा है, और अब इसको हम लोग को और डेवलप करना है, और बढ़ाना है, सब लोगों को बताना है, इसमें काफ़ी सारे लोगों को जोड़ना है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे जैसे जो भी ये मिट्टी का पॉट बनाने वाले हैं वो सब आगे बढ़े, कमाएं और आगे बढ़े। बिहार में और पटना में कहा जाए तो ये पहला इस तरह का इनका अपना स्टार्टअप है, जो मिट्टी को लेके युवाओं ने अपने मिट्टी का बर्तन और तमाम तरह के फूल के जो भी चीज़ें हैं बना रहे हैं, एक खुद का स्टार्टअप शुरू किया गया, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में अब स्टार्टअप का एक नया बाजार खुल रहा है, तमाम युवा अपने अलग अलग क्षेत्रों में रुचि के अनुसार अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ रॉय जी भी थे, जो ये काम कर रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। और दीपावली में आप भी दिए जलाइए, खुशहाल रहिए और छठ पर्व का आनंद लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।